गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.4 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और हमने कल की क्लास में 13.3 के सारे क्वेश्चन समाप्त कर लिए थे। जिस किसी बच्चे ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है पहले प्रश्न में, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कहा गया है कि यहाँ पर त्रिज्याएं दी गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। मतलब यहाँ पर तीन पार्टों में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है और कहा गया है इनमें से प्रत्येक का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन। और हमें दी गई है त्रिज्या, कितनी दी गई है, 10.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है एक गोला है, ठीक है, ये आपको एक गोला दिख रहा है, इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये त्रिज्या है। और कहा गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका सिंपल सा फार्मूला होता है 4πr², ठीक है। तो हम लोग मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 10.5 × 10.5, ठीक है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे जीरो लगा देंगे, दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। और इसे हम लोग काट सकते हैं, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 3 बढ़ जाएगा, 7 × 35, ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, और 2 से इसे भी काट देंगे और ये आ जाएगा 11 × 44 × 3 × 10.5, ठीक है। अब केवल इसका मल्टीप्लाई करना बाकी है, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आएगा 13.86 सेंटीमीटर² और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आपका दूसरा और तीसरा ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको त्रिज्या दी गई है, बस इस त्रिज्या को उठाकर त्रिज्या की जगह पर रख देना है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर दो। देखिए इसमें कहा गया है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन इस बार क्वेश्चन में कहा है कि व्यास दिए गए हैं, ठीक है। और आपको पता है अगर व्यास दिया गया है तो हम त्रिज्या निकालना कैसे जानते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें व्यास दे दिया गया, व्यास आपको पता है कि ये होता है व्यास, और दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें तो त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या क्या मिलेगी हमें, व्यास का आधी होती है त्रिज्या, यानी कि ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें त्रिज्या ज्ञात हुई, क्या ज्ञात हुई कि त्रिज्या हमें प्राप्त होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका आप लोग फार्मूला अच्छे से जानते हैं, अभी इसके पहले हमने आपको इसे करवाया है,
फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मान को रखेंगे, फोर पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7, 7 से 7 को काटेंगे और ये हो जाएगा 7 × 28 × 22। ठीक है, बस इसे सिंपल सा कैलकुलेशन करना है तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, तो आपका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन और ये तीसरा नंबर ये आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें इसका आधा करना है, त्रिज्या निकाल लेना है, इसकी भी त्रिज्या निकाल लेंगे, आर की जगह पर रखकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कहा गया पाई का मान 3.14 का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है, जो इस अर्ध गोले की जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे आर बराबर 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको इसका फार्मूला याद है 3πr². ठीक है, और 3π का मान कहा गया है कि 3.14 का यूज करना है और r की वैल्यू कितनी कही गई है, 10 का स्क्वायर यानी 10 × 10। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे हम लोग जीरो रखेंगे, 2 जीरो रखेंगे, दशमलव हटेगा, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बचा हुआ है 3 × 3 = 4, 3 का हम लोग गुणा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 × 4 = 12 कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12 = 2 हासिल 1 होगा, 3 × 9 = 3, 1 = 4 और 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चार। देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इसका मतलब गुब्बारे की पहले त्रिज्या कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, हवा भरने के बाद उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और कहा गया इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे गुब्बारे में हवा भरने से पहले की त्रिज्या, ठीक है, कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, तो उसे हम मानेंगे स्मॉल आर, क्योंकि वो छोटी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। हवा भरने के बाद की जो त्रिज्या है वो हो गई है बड़ी त्रिज्या और कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कहा गया दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यही हमें ज्ञात करना था। तो लिखेंगे गुब्बारे में हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे गुब्बारे में हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
तो हमें अनुपात ज्ञात करना था, यहां से लिखेंगे गुब्बारे में हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात हवा भरने के बाद लिखेंगे हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला रखेंगे। देखिए हवा भरने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हवा भरने के पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 4πr² अनुपात, और हवा भरने के बाद का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πR². ठीक है, क्योंकि पहले त्रिज्या छोटी थी, बाद में त्रिज्या बड़ी हो गई। तो देखिए 4πR² से 4π, देखिए 4π से 4π तो कट जाएगा, और बचा हुआ कितना है, बचेगा R² अनुपात R² R², ठीक है। तो देखिए स्मॉल R² तो 7 है, 7 का स्क्वायर यानी 7×7 लिख सकते हैं, और कैपिटल है कितना, 14×14, इसे हम लोग काटेंगे, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 14। तो अनुपात निकल के आया 1:2×4, ये होगा आपका अनुपात। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था कि पहले हवा भरने के जो पहले, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम आकृति बनाना चाहें तो ये एक गोल गुब्बारा था जिसकी त्रिज्या पहले थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने जैसे ही इसमें हवा भरा इसकी त्रिज्या बढ़ गई और हो गई कितनी, 14 सेंटीमीटर। टोटल त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि हवा भरने के पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका, और हवा भरने के बाद जो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पर फार्मूले का यूज किया, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πR², तो हवा भरने के पहले की त्रिज्या रखी गई और हवा भरने के बाद की त्रिज्या बड़ी त्रिज्या है, 4π से 4π काटा, R² का मान हमने 7×7 रखा, कैपिटल R का मान 14×14 रखा, काटा पीटी की तो आया 1:4। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कहा गया है कि ₹16/100 cm² की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कलाई मतलब होता है इसकी रंगाई कराने का। ठीक है, तो रंगाई कह सकते हैं, पॉलिश कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि इसका आंतरिक व्यास का मतलब इसके अंदर का जो व्यास है वो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा व्यास है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो हमें व्यास ना चाहकर हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। और आपको पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 का हमें भाग दे देना है, दशमलव हटाने के नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, काटेंगे 5 से काटेंगे, 5×4=20, 5×2=10, 5×5 यानी आएगा 21/4 सेंटीमीटर। ये तो आ गई त्रिज्या, और हमें क्या दिया गया है, और हमें दर दिया गया है, दर दिया है ₹16, कितना ₹16 प्रति का मतलब होता है बटे 100 cm². ये हमें दर दी गई है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है व्यय, कलाई कराने का व्यय। और आपको पता है कि व्यय का फार्मूला क्या होता है,
व्यय यानी हम लागत कह सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कलई कलई कराने का व्यय। व्यय बराबर फार्मूला आपको सिंपल से याद रखना है, क्षेत्रफल गुणे दर। लेकिन यहां पर हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक, आंतरिक मतलब ये अंदर वाला, ये वाले भाग का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्ध गोले का, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे दर। ठीक है, तो आपको ये ज्ञात है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और दर हमें दी गई है 16/100। यहाँ पर मान रखेंगे 2π का मान हम रख सकते हैं 22/7 और r की वैल्यू देखिए दी गई है 21/4 और यहाँ पर दिया गया है 16/100। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, तो 7 × 9 = 7, 7 × 21 और 4 × 9 = 4, 4 × 16, 4 × 9 = 4, 4 × 16 हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस 100 को देखिए हम नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में एक काम आएगा, तो इसका हम लोग फाइनल गुणा करेंगे, तो 22 × 2 हो जाएगा 44 × 21 का ये हो जाएगा 63 और गुणे हो जाएगा 4 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, इसका हम लोग फाइनल अगर गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27/72/100। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, केवल इसमें 100 का भाग देना है, 100 का भाग देना है मतलब दो अंक पहले दशमलव लगा देना है, तो आएगा 27.72 रुपये। इतनी रुपए की इसकी रंगाई कराने में, अर्धगोलाकार कटोरे की रंगाई कराने में लागत आएगी। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छः। देखिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कहा गया है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो कहा गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 दिया गया है। ठीक है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr² बराबर 154। हमें इस r का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान रख सकते हैं और इसे काट भी सकते हैं। देखिए इसे अगर हम काटेंगे तो कटेगा 2 × 2 = 4 और इसे हम काटेंगे 2 × 7 = 14, 1 बढ़ जाएगा 2 × 7 = 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × π का मान हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर r की वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी और ये हो जाएगा 77। ठीक है, तो अब इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से r² की वैल्यू निकल के आएगी 77 × ये भाग से गुणे में जाएगा और ये दोनों गुणे से भाग में आएंगे 2 × 22,
इसे हम लोग 11 से काटेंगे, 11 × 77 = 11 × 22। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 7 × 7/2 × 2। अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और आपको पता है कि जब अंदर दो जोड़े के साथ होते हैं तो एक बाहर आता है, यहाँ से भी एक बाहर आएगा। इसका हम लोग भाग देंगे तो 2 × 6.25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा, यानी कि त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, और कहा गया इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गौर से पढ़िए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। इसका मतलब है कि हमें पृथ्वी का व्यास पता होना चाहिए। ठीक है, और पृथ्वी के व्यास में अगर हम, कहा गया पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी पृथ्वी के व्यास को अगर 4 भागों में काटा जाए तो उसकी उसके व्यास के बराबर है। इसका मतलब पृथ्वी बड़ी है। ठीक है, और पृथ्वी का जो व्यास है वो क्या है, वो डी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास डी है। ठीक है, तो चंद्रमा का जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास हो जाएगा पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी 4 भागों में कटेगा। ठीक है, ये कहा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पृथ्वी का व्यास तो हो गया डी, लेकिन हमें पृथ्वी की त्रिज्या चाहिए। तो लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या, और आपको पता है जब पृथ्वी का व्यास बड़ा है तो पृथ्वी की त्रिज्या भी क्या होगी, बड़ी होगी, और उसे हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल आर से। ठीक है, इसे हम, चलिए रहने दीजिए, इसको डी ही रहने दीजिए। ठीक है, तो कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और होगा क्या कि व्यास का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चंद्रमा का त्रिज्या निकालेंगे। तो लिखेंगे चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या, और चंद्रमा की त्रिज्या हम स्मॉल आर मानेंगे क्योंकि उसका व्यास भी 4 भागों में कटा हुआ है। तो हो जाएगा D/4, तो पहले से है, इसका हम 1/2 करेंगे तो हो जाएगा D/8। ठीक है, ये चंद्रमा की त्रिज्या है और ये पृथ्वी की त्रिज्या। कहा गया क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अनुपात, या लिख सकते हैं दोनों का, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर गौर से देखिए, पहले चंद्रमा है उसके बाद पृथ्वी है, तो इसका मतलब पहले चंद्रमा का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, पृथ्वी, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो सीधा सिंपल सा फार्मूला होगा 4π, यहाँ पर स्मॉल r है तो हम लोग स्मॉल r लिखेंगे, और आपको पता है
कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr² ये होता है। तो यहाँ पर भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं और यहाँ पर अनुपात है 4πR² 4π से 4π कटेंगे और यहाँ पर देखिए r यानी स्मॉल r कितना है d बाई एट गुणे d/8 दो बार है और यहाँ पर r कितना है देखिए d/2 है तो d/2 गुणे d/2। तो यहाँ पर जितना कटता है उसे हम काट देंगे क्योंकि आपको पता है अनुपात का मतलब बटे ही होता है, भाग ही होता है। तो d से d कटेगा यहाँ पर क्या बचेंगे, एक बचेगा और 2 × 2 2 × 8 2 × 2 2 × 8। तो यहाँ पर फाइनल क्या बचा, 1/4 × 16 अनुपात 1/1। इसका हम लोग तिरछा गुणा कराएंगे तो ये फाइनल आ जाएगा 1/16। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको कह रहे थे बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर केवल हमें दिमाग लगाना था कि अगर हमें पृथ्वी का व्यास पता चल जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या पता चल जाएगी और कहा गया जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी पृथ्वी के व्यास में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो वो चंद्रमा का व्यास बन जाएगा और चंद्रमा के व्यास से हम लोग उसकी त्रिज्या निकालेंगे d/8। ठीक है, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूले को रखेंगे, काटेंगे, मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो फाइनल आएगा 1/16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनी हुई है। ठीक है, कहने का मतलब है जो अर्धगोलाकार कटोरा दिख रहा है इसका जो ये वाला जो भाग है मतलब ये क्या है, एक प्रकार से मोटाई है। इसकी मोटाई कितनी दी गई है, 0.25 है। ठीक है, 0.25 ये मोटाई दी गई है इस स्टील की। ठीक है, जिससे कटोरा बना हुआ है और कहा गया है कि इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है इसकी जो ये आधी त्रिज्या है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और आपको पता है कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाहरी त्रिज्या चाहिए। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, टोटल 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी बाहरी त्रिज्या। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल हमें जो त्रिज्या मिली वो मिली 5 + 0.25, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सेम फार्मूला होगा यहां पर देखिए अर्ध गोला है तो इसलिए होता है 2πr² तो यहां पर मान रखेंगे 2π का मान हो जाएगा 22/7 और r की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 5.25 गुणे 5.25। फाइनल इसकी जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, आपको गुणा कर देना है, 7 का भाग दे देना है तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर² ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है संलग्न चित्र में एक लंबवती बेलन त्रिज्या आर वाले, यानी कि जो एक बेलन है उसकी त्रिज्या आर है, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। और इसकी त्रिज्या मतलब गोले की भी सेम त्रिज्या होगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आर वाले एक गोले को पूर्णतः ढके हुए है। ठीक है, मतलब जितना बड़ा बेलन है उतना ही बड़ा क्या है, एक गोला भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस गोले की त्रिज्या भी क्या मान देते हैं, आर। ये कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या हो जाएगी आर। अगर इसे हम क्या मान देते हैं, केंद्र मान देते हैं। ठीक है, और ऊपर भी त्रिज्या आर ही होगी, क्योंकि गोले में हर तरफ त्रिज्या बराबर होती है। ठीक है, और जैसे ही हम इसकी त्रिज्या आर मानेंगे तो इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई क्या हो जाएगी, वो ऊंचाई हो जाएगी 2R, यानी यहाँ से यहाँ तक R और ये R, तो टोटल इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2R। ठीक है, तो हमें त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई, निकालना क्या था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नंबर 1 लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 4π, देखिए आर की वैल्यू तो आर ही रहेगी, उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। दूसरे में कहा गया है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRh, जिसमें यहाँ पर जो r की वैल्यू वो तो r ही है, लेकिन h दिया गया है 2R, तो इसे हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे। तो 2 और 2 2 4, 4πR और r हो जाएगा r स्क्वायर। ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पर तीसरे नंबर में कहा गया है ऊपर नंबर 1, यानी कि नंबर 1 इसे बोला गया है और नंबर 2 इसे बोला गया है, में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो तीसरे नंबर में हम डालेंगे अनुपात, हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया है, 4πR² अनुपात, बेलन का वक्र पृष्ठ भी सेम आया है 4πR², तो पूरा का पूरा कट जाएगा और आएगा 1:1। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपके 13.4 पूरी तरह से समाप्त किया। ठीक है, और हमें आशा है कि आपको 1 से लगाकर 9 तक के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आए हों तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।